नमस्कार मित्रों, भाषा शिक्षण के इस संवाद चर्चा या संवाद मंच में आपका स्वागत है। आज हम आपकी भेंट एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो पिता और पुत्री दोनों ही हिंदी की सेवा में हैं। आदरणीय श्री कमल जी वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं और शीघ्र ही सहायक निदेशक राजभाषा भी बनने वाले हैं। उनकी पुत्री भी उनके कदमों पर चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अनुवाद अधिकारी के पद से जुड़ी है। आज मैं इनसे, इनके बारे में एक फॉर्मल सी बात है, लेकिन इनकी बात सुन करके मुझे लगता है कि बहुत सारे माता पिता और बहुत सारे बच्चे जो एक नई दिशा के तलाश में हैं, इनकी बातों से जरूर मोटिवेटेड होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमल साहब, आपका और हेमा, आप दोनों का मंच पर स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। सबसे धन्यवाद। पहले मैं आपको दोनों को बधाई दूंगा कि आपके रास्ते पर बेटी चली और बेटी कार्य ग्रहण कर चुकी है। मुझे इसकी प्रतीक्षा थी कि जिस दिन बेटी हमारी कार्य ग्रहण कर लेगी, उस दिन मैं उससे मुलाकात करूंगा। हेमा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई कैसे कैसे की और फिर अचानक आप कहां से कहां आ गए, बताइए हेमा जी। जी सर, जो है 2015 मैंने 2020 में बीकॉम किया है। उसके बाद मैंने 2022 में पोस्ट हिंदी से किया है और पीजीडीटी मैंने उसके साथ ही कर लिया। उसके बाद अभी मेरा सीएजी में मैं कनिष्ठ अनुवादक अभी मैंने ज्वाइन कर लिया है। आपने बताया आपने बीकॉम किया है, जी सर, अचानक बीकॉम से फिर एमए में शिफ्ट, क्या कारण था? सर पहले जो मैंने मतलब कुछ सोचा नहीं था कि मतलब बीकॉम तक मेरा कुछ ऐसा डिसाइड नहीं था। बस ये था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन किस फील्ड में जाना है ये इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। फिर उसके बाद से मैंने उसके बाद लिया है और मैंने ये इस मैंने बताया कि मैंने देख पा कि पाप जो ट्रांसलेशन ऑफिसर के रूप में भी मैं वहां पर अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने उस दिशा में फिर अपना कदम बढ़ाया और वहां पर मैंने गई। जी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने पिताजी का परिचय दर्शकों से करवाएं। सर मेरे पापा ESIC में सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं अहमदाबाद में। जी कमल सर, अब मैं आपसे ही चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा और बेटी की यात्रा के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद सर। सर मैं पिछले 19 वर्षों से राजकीय सेवा में हूँ और वर्तमान में वरिष्ठ संवाद अधिकारी के पद पर क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद गुजरात में तैनात हूँ। ग्रामीण परिवेश से क्या हूँ भी। मैं जिस समय इस नौकरी में आया, मेरे लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था कि मुझे किस दिशा में जाना है। स्वयं ही एक प्रेरणा थी, क्योंकि भाषा से मैं पहले से ही थोड़ा सा भाषा के प्रति मुझे लगाव पहले से ही रहा था, क्योंकि मैं जो है गणित या विज्ञान का कोई विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भी हिंदी से किया है, तो भाषा से लगाव रहा था। और 19 साल जो मेरी ये सेवाएं रही हैं, इनसे पहले मैं 9 साल अंग्रेजी का अध्यापक भी रह चुका हूँ, तो फिर दोनों भाषाओं से मेरा जुड़ाव रहा। और फिर शायद किसी ने थोड़ा बहुत सुझाव दिया कि इस तरह का भी एक पद होता है अनुवाद अधिकारी के रूप में, तो मैं इस दिशा में बढ़ा और मुझे भी पहले प्रयास में ही सफलता मिली है। ये तो 19 वर्षों से मैं बहुत राजकीय बधाई। सेवा में, पहले प्रयास में मुझे सफलता मिली है, तो 19 वर्षों से सेवाओं में हूँ। और मुझे मैं बहुत मुझे इस सरकारी सेवा के दौरान 19 वर्षों में कई ऐसे गौरव के क्षण मैंने देखे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मंचों पर मुझे संबोधन करने का अवसर मिला है, मंत्री स्तर पर, अधिकारी स्तर पर, आईएएस स्तर पर, सचिव स्तर पर। तो मैं मुझे तो लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी लाइन है। तो और चूंकि मेरे बच्चे भी भाषा प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो बेटी ने बीकॉम किया, बीकॉम करने तक तो मैं भी ज्यादा गंभीर नहीं था, मुझे लगा कि सामान्य कॉम्पिटिशन की तरफ जाना है। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, बच्चे का भाषा के प्रति लगाव है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बहुत अच्छी लाइन है और खासतौर से बेटियों के लिए तो बहुत अच्छी लाइन है मैंने जो देखा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब नहीं, अंग्रेजी माध्यम से, नहीं। तो अब एम ए हिंदी से कर लेते हैं। तो फिर एम ए हिंदी से करने के लिए मैंने बेटी को परामर्श दिया और बेटी ने बड़ी गंभीरता से उसको लिया।
यद्यपि गुजरात यूनिवर्सिटी से इसने एमए किया है, तो कुछ फैकल्टी चेंज में कुछ थोड़ा सा हमें कठिनाई आई, थोड़ी सी फैकल्टी चेंज की है। गुजरात विश्वविद्यालय में एक परीक्षा देनी होती है छोटी सी, तो वो परीक्षा भी दी बेटी ने और वो क्वालिफाई हो गई उसमें। तो मेरा आधा खेल तो उसी दिन पूरा हो गया था कि फैकल्टी चेंज के लिए हो गया और रेगुलर इसको एडमिशन मिल गया एमए में। और एमए के दौरान इसने मुझसे पीजीडीटी भी कर लिया 2021 में, और 22 में फिर एमए हुआ। हम मानसिक रूप से तैयार थे कि हमें, और मैंने ये कहा बेटी को कहा था कि बेटा देखिए मैंने पहले प्रयास में क्वालिफाई किया है तो आपने भी करना है, ये मैंने कह दिया था। तो 22 में जो ही जुलाई में रिजल्ट आया सर 15 जुलाई को, और तुरंत ही वैकेंसी आ गई। और सौभाग्य मेरा ऐसा रहा कि 4 अगस्त को उन्होंने कट ऑफ डेट मांग ली एसएससी वालों ने, तो 20 दिन पहले परिणाम आ गया। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा इस मामले में, जैसा सोचा उस दिशा में। और इसके बाद तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता चला गया, पहला प्रयास, पहली परीक्षा, इसके बाद उच्च का अच्छा परिणाम, और फिर तो बस क्या था कि 8 महीने के अंदर मतलब परिणाम आपके सामने है। तो मैं तो बिल्कुल भाग्यशाली उस मामले में, बस यही कहना चाहूंगा, अच्छा किया मैंने जो किया बेटी ने माना। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, बेटी मानी। मैं सर थोड़े से दिल की बात पे जाना चाहूंगा, चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, ग्रामीण अंचल से हूँ, और आप राजस्थान के हैं। अमूमन हम लोगों की संस्कृति एक जैसी है, और अभी भी देहाती अंचल में मान लीजिए जिनके 2 बेटियां हो गई, बेटा ना हुआ, उनको लोग बड़े दूसरे नजर से देखते हैं कि अरे इसके तो खाली बेटियां हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने भी यह झेला होगा। इसके अलावा लोग बेटियों को पढ़ने देने से, जैसे इंटर पास की तो लोग बोलते हैं इसका विवाह करा दो, और रिश्ते भी आने लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं रिश्ता खोजने के, भाई इसकी शादी यहाँ करा दो, अब क्या करेगी बेटी पढ़ लिख करके। ऐसा कुछ अनुभव हुआ है आपके साथ? अगर हुआ है तो साझा करें। जी जरूर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ऐसा मैंने अप्रत्यक्ष रूप से देखा है, मैंने भी महसूस किया है, सीधे सीधे कभी बात नहीं हुई। मैं जिस परिवेश से हूँ वहाँ ऐसा ही है, और मुझे चूंकि बेटियां ही हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है। मैं जिस समाज से हूँ वहाँ मेल डोमिनेशन है, मतलब मैं आपको ये कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा कि जिसको पुत्रियाँ हैं उस समाज से मैं हूँ वहाँ उसको इश्यू लेस ही माना जाता है, यद्यपि ये कहने सुनने में बहुत अप्रिय लग रहा है। तो इसका सामना मैंने अप्रत्यक्ष रूप से किया है, लेकिन मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा एक नजरिया और है, बिल्कुल अलग नजरिया है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ये हमारा वित्तीय स्वास्थ्य भी होता है। जी, आप वित्तीय स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैंने यही कहा पहले, सबसे पहले बेटी से, कि पहले आपको फाइनेंशियली फिट होना है। आप मेंटली फिजिकली फिट हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियली फिट होना है, आपको मॉरली भी फिट होना है, इसके बाद सोशली फिट आप अपने आप हो जाएंगे। सोशली फिट अंतिम चरण है। जी जी, ये है कि वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, मॉरली फिट है, फाइनेंशियली फिट है, अब लास्ट स्टेज जो सोशली फिट वाली है उसमें भी मैं सही फिट बैठ गए उस समय। बिल्कुल सर, चीजों को नहीं, बहुत बढ़िया है, चूंकि आपसे काफी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा आपकी बात सुन करके। लोग इस दिशा में चलेंगे कि बेटियों को पढ़ाएं और उनको लायक बनाएं, ताकि कल को बेटियां किसी पे आश्रित न रहें। आपकी इसी परिपाटी पे मैं भी गया, मेरी बेटी भी राजभाषा अधिकारी बन के बैंक में गई। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, फिर हम हेमा से बात करेंगे। आप एक चीज बताइए, सामंजस्य कैसे रहता है? मुझे लगता है आप नौकरी से आकर के फिर पढ़ाते थे, या फिर आपके परिवार में मैडम मतलब हिमा की मम्मी ने बच्चों को ज्यादा संवारा है। आप यह श्रेय खुद को खुद ही लेना चाहेंगे या इनकी मम्मी को ही देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक एजुकेशन की बात है तो मैं आपसे जो भी फ्रेंक बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि मेरी जो धर्म पत्नी है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, केवल आप साक्षर कह सकते हैं, और मैंने हायर एजुकेशन लिया है, क्योंकि मेरा भी विवाह बचपन में हो गया था, तो परवरिश तो उसी ने किया, इसका पूरा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। और जी मैडम को मेरा प्रणाम पहले से इस बात के लिए कि उन्होंने बेटी की ढंग से परवरिश की। धन्यवाद, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, मैं 1% भी श्रेय नहीं लूंगा।
परंतु इतना जरूर है कि जहां तक तैयारी या प्रशिक्षण या इस दिशा में प्रयास, कैसे तैयारी करनी है, किस दिशा में जाना है, किस तरह से अध्ययन करना है, इस पर मेरा पूरा फोकस था। क्योंकि मैं इस लाइन से हूँ, मैं आपको बताया कि मैं खुद इस लाइन से हूँ, 19 साल से सेवाएं दे रहा हूँ इस क्षेत्र में। तो यद्यपि मेरा पदनाम वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी है, लेकिन वस्तुतः तो मैं अनुवाद का विद्यार्थी ही हूँ। तो मैं जब खुद अनुवाद का विद्यार्थी अपने आप को मानता हूँ, तो फिर मैंने पूरी मदद की। जब भी दफ्तर से आता, दफ्तर के बीच में भी, आने के बाद भी पूरा समय देता, समस्याएं सुनता, जानता भी किस स्तर पर चल रहे हैं, क्या स्थिति है बेटे की, तो समय देता, विचार विमर्श करते, परामर्श देता, समस्याओं का समाधान भी देता। तो इस तरह से मैंने बड़ा सामंजस्य बिठाया, और ये मेरा स्पष्ट था कि बस ये दिशा में हमें और ज्यादा कुछ समय नहीं लेना है, ये भी मेरा एक स्पष्ट नजरिया था। ये सोच के मैंने किया बिल्कुल, है। परवरिश का श्रेय मुझे नहीं जाता माता जी को सर। ही जाना चाहिए, माता जी को ही जाना चाहिए, बच्चे की माता जी को। चलिए सर, बहुत आभारी हूँ। अब मैं हेमा से उसकी तैयारी के बारे में जानना चाहूंगा। स्टेप 1, जैसे प्रथम चरण कैसे शुरुआत करी आपने, आप कहाँ कहाँ से सहयोग ली, कैसे पढ़ती थी, क्या क्या पुस्तकें, वह सब आप बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मेरा जो लक्ष्य है उसको मैंने अपने मन में निर्धारित किया कि मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद मैंने उसके सिलेबस को जाना, उसके बाद मैंने जो सिलेबस का उसको अच्छे से देख लिया कि कैसे क्या है इसका सिलेबस, उसको पहले समझा सब। उसके बाद मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे मुझे तैयारी करनी है, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। उसके बाद जब मैं एमए कर रही थी उस वक्त ही मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था इस बार, ताकि मुझे एमए के बाद थोड़ा ज्यादा प्रेशर ना रहे। इसलिए उसके बाद मैंने ये धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसके बाद मैं रोज के डेली मतलब प्लान बनाती थी। पहले मैंने वीकली बनाए थे पर वो मुझसे पूरे होते नहीं थे, फिर मैं रोज ही बनाने लग गई। फिर रोज, वैसे भी रोज जो बनाती थी वो ऐसा नहीं था कि पूरा हो जाता था, जितना हो सकता था उतना मैं करती थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो भी मतलब मुझे मटेरियल मिला उससे मैंने पढ़ाई की, और ज्यादा मैंने इसपे जो भी मेरे पास जितना था उस हिसाब से मैंने पढ़ा। इसके लिए मैंने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं ढूंढी मतलब। आपके अध्ययन में किसने अधिक सहायता किया, मॉक टेस्ट ने सहायता किया या हिंदी व्याकरण और अनुवाद के नियम ने? जैसे नियम जान गए तो मॉक अपने आप हो जाता है, मेरा ये मानना है। तो आपकी उसमें किसका अधिक योगदान रहा? सर पहले तो जो टॉपिक होता था उसको मैं पूरा पढ़ लेती थी, उसके बाद उससे उसके जो क्विज वगैरह थे और मॉक टेस्ट थे वो मैं उसके बाद देती थी। और मॉक टेस्ट से मेरी काफी मदद रही मतलब, उसमें मॉक टेस्ट देती थी उसमें फिर मैं देखती थी उसका मूल्यांकन करती थी, और जो भी उसमें गलती होती थी उसके बाद उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। चलिए, एक चीज और बताइए। जैसा कि मुझे प्रतीत होता है कि डॉक्टर राजेश शुक्ला, भाषा शिक्षण वाले, जी सर, उन्होंने भी आपको इस काम में सहयोग दिया है। किस प्रकार दिया है, आप कुछ बताएंगी? जी सर, उन्होंने उन्होंने सर उनकी गा उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है सर। जो मतलब वो जो भी सही से मटेरियल बताते थे उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करती जाती थी। जो याद करने की चीजें थी उन्हें पहले याद कर लेती थी, और फिर उसके बाद जो भी समझने की चीजें थी उन्हें समझ लेती थी। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देती थी और क्विज वगैरह देती रहती थी। कुछ ऐसा विशेष प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है डॉक्टर राजेश जी ने, जिस पे आप क्विज देती हो, कुछ नाम बता पाएंगे, कोई ऐप उनका हो, जैसे बहुत सारे दर्शक उनसे जुड़ना चाहें अगर, तो किस ऐप पर कराते थे और आपसे कैसे संपर्क में आते थे? जी सर, उनका एक भाषा शिक्षण क्विज है मतलब, उसमें सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उसी में सारे टॉपिक से रिलेटेड भी होते हैं कि कौन सा क्या टॉपिक है। उस हिसाब से हम अलग अलग चैप्टर के क्विज भी दे सकते हैं, और उसके बाद पेपर 1 के क्विज है वो भी सब उस पर है, उपलब्ध है। अच्छा, तो अगर कोई करना चाहे, मान लीजिए मैं अपने बच्चे के लिए कराना चाहूँ या मैं किसी को अगर देना चाहूँ, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। जी सर, चलिए, बहुत बढ़िया, यह लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि छात्र जीवन से निकल करके अचानक आप नौकरी के जीवन में प्रवेश कर गई। छात्र जीवन में तो यह है, चलो आज मन नहीं किया तो आज नहीं गए। मुझे लगता है 10 या 15 दिन हुआ आपको ज्वाइन किए हुए। जी सर अभी 21 दिन हो गए हैं।
21 दिन, बहुत शुभ दिन है आज, 21वां दिन है, शुभ मान के करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कॉलेज के जीवन में और आपके नौकरी के जीवन में अंतर क्या देख रही है? मतलब ऐसा जो मन ना करता और ये जॉब ठीक नहीं है, मुझे पढ़ने नहीं देते, इस तरह की फीलिंग या ऐसी कुछ बात आप साझा करें। नहीं सर, ऐसा तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तो ऐसा रहता था, पढ़ने का थोड़ा प्रेशर रहता था और आगे आगे क्या करना है, मतलब पढ़ाई क्या है, पूरा प्लान उस हिसाब से पढ़ लेते थे। और अभी जॉब करें तो अभी एक चीज है, मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं इसमें, कैसे काम करना है वो सब सीखने का कोशिश कर रहे हैं, और आगे के लिए भी इसमें देख रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। एक चीज और बताइए, जैसे चूंकि कॉलेज में होता है प्रिंसिपल वगैरह बच्चों जैसा आपके साथ व्यवहार करते हैं, आप गई हैं नई गई हैं, तो क्या यहाँ वरिष्ठ अधिकारी भी आपको उसी तरह से देते हैं अवसर? मतलब बेटी समझ के, एक छोटी बेटी, चलो थोड़ी मोड़ी गलती हो गई, नजरअंदाज करो, इस तरह की बातें रहती हैं, या लोग डांटना शुरू कर देते हैं, क्या रहता है? ऐसा तो कोई माहौल नहीं है उसमें, हमें मतलब कोई कुछ बोलता नहीं है, हम अपने हमसे जो हो सके वो हम करते हैं। और मतलब मुझे जो काम करती हूँ मैं, फिर उनसे अगर कुछ समझ नहीं आता तो उनसे पूछ लेती हूँ, और ऐसा इस जैसे नहीं है इस तरह से। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बैंक में ज्वाइन कर रही थी, तो उसने पूछा सर मैं जाऊंगी कुछ गलती होगी तो मेरे ऑफिसर मुझे डांटेंगे तो नहीं? तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि नौकरी की लाइफ में कभी ऐसा तो नहीं होता ना, जॉब सर जो रोज डांटने लगे ये वो छड़ी लेकर के, ऐसा तो नहीं होता ना? सर इसमें कोई कुछ नहीं डांटता है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग डांटते नहीं, झूठा ये भ्रम है। जिन बच्चों को यह भ्रम है कि अधिकारी डांटेंगे, कृपया अपना भ्रम निकाल के निसंकोच होकर के करें। या एक चीज और बताइए, जैसे आपने मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ किया, अलग से कुछ पुस्तकें पढ़ी हो आप? कुछ ऐसी पुस्तक जो आपको इस परीक्षा के चयन में सहयोग जिससे मिला हो? सर मैंने ग्रामर के लिए तो लुसेंट ही पढ़ी है, और उसके बाद इंग्लिश में भी इंग्लिश के लिए भी मैंने पहला पैराबॉन्ड पढ़ी है, प्लिन टू पैराबॉन्ड ग्रामर के लिए पढ़ी है। ये ग्रामर, अच्छा, ये बेसिक जो ग्रामर है उसको स्ट्रॉन्ग किया है पहले तो। एक चीज और मुझे बताइए, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि मान लीजिए वीडियो देख लिया या मॉक टेस्ट लगा लिया, उसे काम चलाने का प्रयास करते हैं, विशेषकर पेपर टू की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जो अनुवाद अभ्यास करती थी, तो कितना समय लगाती थी 10 लाइन के अनुवाद में, तो शुरुआत के दिनों? पहले पहले तो मुझे अनुवाद करने में बहुत समय लगता था, जैसे एक पैराग्राफ में 1 घंटा लग जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम मैनेज करना मैंने सीखा कि आधे घंटे में कैसे मैं पूरा एक पैराग्राफ कर सकूं, जितना मतलब मैंने पुराने पेपर्स देखे तो उसमें उनको सॉल्व करने की कोशिश की कि मेरा 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, निबंध भी साथ उसमें हो जाना चाहिए ट्रांसलेशन के साथ साथ। जी, पहले पहले समय लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आदत पड़ जाती है, तो कम समय में भी कर लेते हैं ट्रांसलेशन और ऐसे वगैरह। तो इसके लिए आप रोज कितना समय देती थी? क्योंकि मुझे लगता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपने एक साथ तैयार किया। जी सर, जी, तो आप अनुवाद और निबंध लेखन पे कितना समय रोज देती थी? पहले पेपर के लिए तो मैं मतलब 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश देती थी, और उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए भी 1 1 घंटे देती थी, और उसके बाद ऐसे लिखने के लिए भी, मतलब इंग्लिश का ऐसे के लिए 1 घंटा, हिंदी के ऐसे के लिए 1 घंटे, ऐसे करके 1 1 घंटे के लिए सब अलग अलग करती थी। चलिए, बहुत मतलब बहुत थोड़े परिश्रम से अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सफलता अर्जित की जा सकती है। जी सर, एकदम स्ट्रेटजी बना के एकदम पूरा दिमाग में रख के अगर हम करते हैं तो किया जा सकता है। जी, अब मैं फिर से सर से चाहूंगा कि चूंकि आप स्वयं तैयार हुए, 19 वर्ष की आपने ये हिंदी की सेवा की, अभी निरंतर जारी है, आप कई पुरस्कार भी, क्षेत्रीय पुरस्कार, कार्यान्वयन पुरस्कार और तमाम पुरस्कार से अपने कार्यालयों को आपने नवाजा है, और उसके अलावा आपके पास, चूंकि थोड़ी सी वो होते हैं, आपके पास गोवा क्षेत्रीय कार्यालय का भी प्रभार है, और मैंने सुना है कि हर वर्ष कार्यान्वयन का पुरस्कार निगम गोवा को देती है। चूंकि हेमा ने अपने सर्विस लाइफ के बारे में बताया, आप वरिष्ठ हैं तो आप भी बता पाएंगे कि आखिर इतना पुरस्कार आप मैनेज कैसे करते हैं? जी बिल्कुल सही सर, होता क्या है कि काम तो हम लोग सभी करते हैं,
मैं ऐसा नहीं कहता, जो भी जिस पद पर है सरकारी सेवाओं में काम तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि हम होते ही इसलिए हम काम करें और काम है तो ही हम हैं, इसलिए सभी करते हैं। परंतु होता क्या है कि काम करने का एक एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। आप जी काम करें और गुणवत्ता के साथ करें और समयबद्ध तरीके से करें, इस ऐसे इन चीजों से पुरस्कार मिलता है। देखिए, पुरस्कार मिलने के लिए कुछ मापदंड भारत सरकार ने बना रखे हैं, भाई आपको ये चीज है, ये इस महीने में इस तारीख तक करनी है, इसका इतना अंक आपको दिया जाएगा। तो यदि आपने उस कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से, सही तरीके से और उचित समय पर किया है, तो उसका आपको एक मार्क मिलता है, अंक होता है उसका। तो यदि उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन चीजों को करते हैं, तो फिर आपको पुरस्कार मिलने से कोई वंचित कर ही नहीं सकता। तो मैं इसी व्यू रचना के साथ दोनों कार्यालयों का जो कामकाज उसको देखता हूँ, और जॉब कार्ड हमेशा मेरी नजरों में होता है कि आपका जॉब प्रोफाइल में क्या क्या चीज है, आपको उन चीजों को एक एक करके टिक करते हुए चले जाना है। तो मैं समझता हूँ इस व्यू रचना के साथ आप काम करें तो आप किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कार्यालय में आपको पुरस्कारों से वंचित नहीं कर सकते, हमेशा मेरे यह नजरिया रहा है। और थोड़ा सा एक कमिटमेंट तो होता ही है, जो के साथ आप एकदम ऐसा ना लें बस सरकारी काम है, होता रहेगा, करते रहेंगे, मतलब आप एक जिम्मेदारी लें आगे बढ़कर, नहीं मुझे ये दायित्व दिया गया है, मेरा वजूद इस सरकारी नौकरी से है और मुझे इसलिए रखा गया है, मेरी जिम्मेदारी है। तो और आप तभी आप दूसरों से अलग हो सकते हैं, बाकी एक सामान्य सी बात है कि आप उसको करते रहेंगे बेमन से, आधे मन से, तो फिर ऐसा लगेगा कि आप बस कर रहे हैं, आप करने के लिए कर रहे हैं। इस व्यू रचना के साथ मैंने काम किया, हमेशा करता हूँ, और यही मैंने बच्चों को भी कहा है कि नहीं, हमें चीजों को सीखना है, केवल समय नहीं गुजारना है, जानना है चीजों को, और उचित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करना है। यही मेरा मतलब राज रहा है। एक चीज और बताइए, अधिकांश लोगों की, चूंकि आप सेवा में हैं तो अधिक मार्गदर्शन कर पाएंगे, जो अधिकांश बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए आज हेमा ही आपके साथ है तो अलग बात है, अधिकांश बच्चे ये सोचते हैं कि अनुवादक की नौकरी में केवल अनुवाद का कार्य होता है और हमको खाली ट्रांसलेशन करना है, बस हम फ्री हैं। तो ऐसे अनुवादक या अनुवाद अधिकारी, आपके कार्य क्या क्या होते हैं, क्या कर सर जाते हैं? जी बिल्कुल सही। देखिए, अनुवाद अधिकारी जो होते हैं, मूल रूप से जब हम बात करें तो उसके दो ही कार्य हैं किसी भी कार्यालय में, एक अनुवाद कार्य और एक कार्यान्वयन का कार्य। अनुवाद कार्य जहां तक मेरा अनुभव है, समझ है, मैंने देखा है, जहां मंत्रालय स्तर के जो कार्यालय होते हैं वहां पर अनुवाद कार्य की अधिकता होती है, परंतु जो और फील्ड यूनिट्स हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो अन्य जो भिन्न भिन्न राज्यों में बिखरे हुए हैं, वहाँ अनुवाद की उतनी अधिकता नहीं होती है। वहाँ आपको भाषा को, राजभाषा को इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा दायरा है इसका, कि आपको लोगों को हिंदी सिखाना है, लिखना, पढ़ना, बोलना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, उनको आपको प्रशिक्षण दिलाना है, उन्हें आपको पुस्तकें पढ़वानी है, उन्हें आपको कार्यशालाओं में पढ़ाना है, मीटिंगों में राजभाषा संबंधी नियम को इम्प्लीमेंट करवाना है। ये बड़ा विस्तृत दायरा है कार्यान्वयन का। तो जो फील्ड यूनिट्स हैं उनमें अनुवाद को लेकर उतना स्कोप नहीं है। कोई ये सोच के जाए कि फील्ड यूनिट्स ना रहे, यहाँ तो अनुवाद तो है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ ये सोच के जाना है और हमें इसके लिए तैयार है, नहीं, हमें इन फील्ड यूनिट्स में राजभाषा को इम्प्लीमेंट करना है। कार्यान्वयन वहाँ प्रमुख कार्य है, अनुवाद बहुत छोटा सा कार्य है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 19 साल से सेवाओं में हूँ, मैं अनुवाद कार्य में आया, इससे पहले मैं खुद सोचता था कि वहाँ एक कैबिन होगा, दफ्तर में बहुत सारे अनुवाद होंगे, बहुत सारे शब्दकोश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स जब होती हैं तो आपको, आपसे कहा जाता है, नहीं, आपके ये पास ये अंग्रेजी के कंटेंट्स हैं और ये 2 पेज के कंटेंट्स हैं और आपको 10 पेज का भाषण तैयार करना है। जी तो अनुवाद की आप कल्पना करेंगे तो आप फिर फेल हैं। आपको 2 पेज के कंटेंट्स को 10 पेज में बदलना है, ताकि हमारे कार्यालय अध्यक्ष या हमारे जो भी उसी जो बैठक है उसको प्रेसाइड करने वाले अधिकारी आ रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, भी हो सकते हैं, वो विधायक भी हो सकते हैं, MP भी हो सकते हैं, तो उनको आपको भाषण तैयार करके देना है विस्तार में। क्योंकि तो आप ये सोचें, नहीं, ये 2 पेज का हमें अनुवाद करके दे देना है, नहीं, तो वहां सफल नहीं है। केवल आप वहां लेके बैठेंगे, नहीं, ये 2 पेज मुझे दिए गए, मुझे तो ये पॉइंट्स का अनुवाद करके, नहीं, आपको वहां आपकी प्रतिभा दिखानी है। इसलिए हमारे पद जो है बड़ी महत्ता रखते हैं। तो ये मेरा एक हमेशा सेवा के प्रति नजरिया है।
एक चीज और बताइए, जैसे मान लीजिए मैं अभी चर्चा कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों से भी चर्चा की कि अधिकांश लोग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से डरे हुए हैं, और फिर ये भी देखा है कि सरकारी कार्यालयों की वेबसाइटें अगर देखें तो वेबसाइटों पे आप बहुत भूल पाएंगे हिंदी में, जैसे इसको मशीन से अनुवाद करवा लिया गया हो। आप क्या कहते हैं इस विषय में कि हमें मशीन पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए या फिर खुद के विवेक से भाषा को ध्यान में रखते हुए अनुवाद कार्य करना चाहिए? जी देखिए सर, मशीन मानव मस्तिष्क के लिए सहायक हो सकती है, विकल्प नहीं है। जी, मशीन हमारी मदद करने के लिए, अब आप पूरी तरह से ये माने कि नहीं हमारा कोई काम ही नहीं रहा है, हम मशीन में डाल देंगे, उसमें से हम अंग्रेजी उसमें डाल दीजिए, उसमें से हिंदी निकल कर या कोई भी दूसरी भाषा निकल कर आ जाएगी, उसको एज इट इज हम दूसरे के सामने परोस देंगे, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं। बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मशीन की मदद हम लोग भी लेते हैं, पर उस पर ऐसा नहीं पूरी तरह से हम भरोसा करके बैठ जाएं, नहीं जी मशीन में डाल दिया फिर तो हमारा एक हमारा फिर बौद्धिक स्तर का क्या, हमें क्यों रखा गया है? क्योंकि जी हमने अलग अलग लोगों को देखिए, जब हमारे पास अनुवाद आता है तो हमसे ये कहा जाता है कि आपको इस स्तर के लोगों के लिए देना है, और कई बार जब हमसे ये कहा नहीं जाता है तो हम खुद पूछते हैं कि बताइए ये किस स्तर के लोगों के लिए देना है, ये किस लेवल के व्यक्ति को देना है ये अनुवाद, उस हिसाब से हम हमारा अनुवाद का भी स्तर जो है डिसाइड करते हैं। तो मशीन हमारी मदद के लिए है, वो कभी भी हमारा विकल्प नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, आज का यह सत्र उन लोगों के लिए काफी लाभप्रद रहेगा जो तैयारी कर रहे हैं, हेमा ने मार्गदर्शन दिया, और उन लोगों के लिए भी लाभप्रद रहेगा जो लोग आपके अनुभव से कुछ सीखना चाहेंगे। और सर, समय की मर्यादा है, हम चलते चलते एक चीज और, चूंकि हर आमंत्रित अतिथि से मैं यह निवेदन करता हूँ कि यदि कोई, चूंकि आप कार्यान्वयन विशेष रूप से बता पाएंगे, तो अगर कोई चाहे कि मुझे कमल सर से थोड़ी सहायता मिल जाए कार्यान्वयन से संबंधित, नए नए बच्चे हैं जैसे हेमा को भी दिक्कत आएगी तो आपसे पूछेगी, तो क्या आप ऐसे बच्चों की मदद करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल जरूर होगी, मुझे प्रसन्नता होगी कि वो ये जानना चाहेंगे और मुझे बताने में प्रसन्नता होगी। मेरे लिए वो बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल नई बात है। और ये भविष्य की बात नहीं बता रहा हूँ, वर्तमान में भी जो लोग जानते हैं या नए हैं या जो मेरे मेरा उनसे आप परिचय हुआ है या किसी के माध्यम से हुआ है, मैंने हमेशा उनकी राजभाषा के कार्यान्वयन में मदद की है, हमेशा मदद की है। तो ये मैं अपना गौरव समझूंगा कि मैं चूंकि राजभाषा से जुड़ा ही हुआ हूँ और समर्पित हूँ और एक पवित्र कर्तव्य की तरह मैं इसको लेता हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि कोई भी कार्यान्वयन के क्षेत्र में मेरे से कुछ मदद मांगना चाहेगा, मैं इसको अपना गौरव समझूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। मित्रों, मुझे भी बड़ा गर्व है कि जब मैं राजभाषा के क्षेत्र में आया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था और मुझे एक बैठक करानी थी। किसी ने मुझे कहा कि अहमदाबाद में कमल जी हैं, उनसे बात कर लीजिए। फिर मैं किसी तरह इनका नंबर लेके मैंने इनको फोन किया, चूंकि उन दिनों स्वास्थ्य खराब चल रहा था, मैं कलकत्ता चला आया था। इन्होंने बिना मतलब ये नहीं पूछा कौन है क्या, हाँ पूछा आप हमारे कार्यालय में, और इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की थी। और आज भी मुझे लगता है कि जब भी मैं फोन करता हूँ, मान लीजिए किसी कारणवश उस समय फोन ना उठा पाए, कॉल बैक करते हैं और खूब अच्छे से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा कि जब मैंने मांगा है मदद मिली है, और आप लोगों को भी इनकी मदद मिलेगी। सर, अब समय की मर्यादा, इसलिए हम लोग आज्ञा चाहेंगे और ऐसे ही चाहेंगे कि आप अन्य बच्चों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलते चलते कुछ और कहना चाहें तो? मैं अंत में यही कहूंगा सर कि सभी लोगों को मेरा संदेश है कि बिल्कुल इस क्षेत्र को बहुत सकारात्मक तरीके से लें, और भाषा प्रेम से जो लोग जुड़े हुए हैं, भाषा में कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत संभावना है इस क्षेत्र में, कर सकते हैं आप, और प्रतिस्पर्धा भी कम है, आपको सामान्य संवर्ग जैसी नहीं मिलेगी, तो बहुत अच्छा क्षेत्र लगा मुझे, तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगा। सभी लोगों को इस दिशा में आना चाहिए यदि आप भाषा के प्रति संवेदनशील हैं तो। और मैं और मेरी एक बेटी और है मतलब, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी शायद इसी दिशा में ले जाऊँ, वो MA कर रही है, तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है, शायद फिर
कभी हम मिल सकते हैं आपसे, तो मुझे तो अच्छा लगा। मुझे किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र को लेकर के नहीं भाई ये हाई प्रोफाइल जॉब नहीं है, ये हमारे पास शक्तियां नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। एक कहते ना कि एक हार्ड पावर एक सॉफ्ट पावर है ना, तो हार्ड पावर मतलब वो डंडे वाली कि आप किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट पावर है इसके अंदर कि आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं अपने विचारों से, अपने ज्ञान से। तो मुझे अच्छा लगा, सभी के लिए संदेश देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी लाइन अटेंड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। मैं शीघ्र ही आशा करूंगा कि आपसे मिलूं, जहां भी आप रहें एक बार जरूर मैं आना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, और हेमा की माता जी को भी ढेरों प्रणाम। जय हिंद।